झारखंड में धर्मांतरण को लेकर कड़े कानून के बावजूद इसके मामले सामने आते ही रहते हैं। ताजा मामला कोडरमा का है, जहां 25 परिवारों के 100 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जहां जांच शुरू कर दी, तो वहीं तमाम हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। धर्मांतरण कानून का नहीं असर, गरीबों को बरगलाने में नहीं छोड़ रहे कसर, धर्म परिवर्तन का खेल कैसे होगा फेल। झारखंड में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आने के बाद खलबली मची है। कोडरमा के सतगावा में गरडीह के घटवार समुदाय के 25 परिवारों के 100 लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है, उनके घरों में ईसाई धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह लगे हैं और ऐसे लोग हर रविवार प्रार्थना भी कर रहे हैं। हालांकि धर्मांतरण कर चुके लोगों का कहना है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बल्कि मन परिवर्तन किया है, इसमें आ रहा है धर्म परिवर्तन का आ रहा है इसमें। इसमें धर्म परिवर्तन तो हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग मन परिवर्तन किए हैं। कौन-कौन दिन प्रार्थना करते हैं? हम लोग को संडे के दिन होता है, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपना प्रार्थना करते हैं, जब मर्जी तब। लेकिन प्रभु में आए हैं, यीशु मसीह ग्रहण किए हैं, उस दिन में मेरा घर में शांति भी है। इस गांव में रहने वाले घटवार समुदाय के लोग आर्थिक रूप से कमजोर तबके के हैं। इन सभी का बीमारी ठीक करने और आर्थिक मदद देने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वही मामले की भनक लगने के बाद हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए। माने इस गांव में 40 लोग करते हैं। हम लोग के सामने जो प्राइमरी स्टेज पर जो हम लोग का समस्या है, रहने खाने ये सब का लालच दे करके, किसी को कुछ थोड़ा सा चावल दे करके, घर का यहाँ कि हम मैंने घर बनवा देंगे, कुछ पैसे का लालच दे करके, कुछ बीमारी का लालच दे करके, इस तरह से लगातार जो भी मैंने दबे कुचले और जो अशिक्षित है उन लोगों को धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा है। सतगावा थाने से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गरडीह गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा है। ऐसे में गांव की गतिविधियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिलने में काफी समय लग जाता है। हालांकि धर्मांतरण की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पूछताछ और जांच चल रही है ताकि धर्म परिवर्तन की वजह का पता लगाया जा सके। सूचना जो प्राप्त हुई है उसमें पता चला है कि कुछ 4-5 परिवार हैं ऐसे जिन्होंने और काफी समय से लंबे समय से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। इस संबंध में जांच की जा रही है कि ये किस प्रकार से है, कि वो स्वेच्छा है या प्रलोभन है या दबाव है, इससे पूरी और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद, जांच कर लेने के बाद हम लोग आगे कर रहे हैं। गरडीह गांव में अब हिंदू धर्म मानने वाले सिर्फ 25% लोग ही बचे हैं, लेकिन उन लोगों पर भी धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। गजेंद्र, जी मीडिया, कोडरमा। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।